हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन ब्लू के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक्समैन की टाइमलाइन और उसे बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आप लोगों के अंदर ज़रा सा भी कन्फ्यूजन ना रहे। और ये बात आपको इस वीडियो के टाइटल और चैनल नेम से ही पता चल गया था, लेकिन मुझे 16 सेकंड बर्बाद करने थे क्योंकि वीडियो को लंबा करना था। तो चलिए अब इंट्रो के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, जब से मैंने अपना ये चैनल खोला था और लोगों को पता चला कि इसके ऊपर मैं सुपर हीरोज़ कंटेंट डालता हूँ, तो उस वक्त से कई सारे लोग मुझसे आमतौर पे ये सवाल पूछते रहते हैं कि मैं एक्समैन के ऊपर कोई वीडियो क्यों नहीं बनाता हूँ, उसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों करता हूँ। क्योंकि मार्वल की ही प्रॉपर्टी यानी कि MCU के ऊपर मैं इतने सारे वीडियोज बना चुका हूँ, लेकिन एक्समैन के ऊपर शायद ही आपको कोई वीडियो मिलेगा। तो मैंने सोचा इस मिथ को मैं बस्ट करता हूं और एक्समैन की टाइमलाइन को एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि उससे अच्छा टॉपिक और क्या ही हो सकता है। और इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पता चलेगा कि डेडपूल एक्समैन के टाइमलाइन में कहां पे फिट बैठता है और एक्समैन को देखने का ऑर्डर क्या है। लोगों को लगता है कि एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में सब कुछ बिगड़ गया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उससे पहले भी सब सुलझा हुआ नहीं था। एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे चार्ल्स चल सकता है और अपनी टेलीकिनेटिक पावर को यूज भी कर रहा है, और इसके सामने हम एमा फ्रॉस्ट को भी देखते हैं और स्कॉट को भी देखते हैं। लेकिन एक्समैन फर्स्ट क्लास मूवी के अंदर भी हम एमा फ्रॉस्ट को देखते हैं और वो ऑलमोस्ट चार्ल्स की एज की लगती है, लेकिन अगर आप एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन वाली मूवी में देखें तो यहाँ पर वो टीनेज एज में थी। इतना ही नहीं, इस फ्रेंचाइज के अंदर आपको 3 स्ट्राइकर देखने को मिलेंगे, उसके अलावा 2 सेवरटूथ देखने को मिलेंगे, एक एक्समैन मूवी के अंदर और एक्समैन ओरिजिन मूवी के अंदर। अब बात कर लें सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट और सबसे अनएक्सप्लेनेबल वाली चीज, वो ये है कि 1962 में ये चारों इतने अच्छे से इतने जवान दिख रहे थे, लेकिन 1992 में यानी कि 30 साल बाद भी ये लोग डिट्टो वैसे ही दिख रहे होते हैं। मानो इनके पास बिस्लरी का नॉर्मल पानी नहीं बल्कि फाउंटेन ऑफ यूथ हो, जिसे पीकर वो लोग इतने दिन तक जवान रह रहे थे। भाई, एक्समैन के अंदर हमें वुल्वरीन का समझ में आता है कि उसका स्लो एजिंग है, इसलिए वो इतने सालों तक जिंदा रह रहा है, इस तरह दिखते आ रहा है। बट इन लोगों का 1962 में इस तरह दिखना और 1992 में भी डिट्टो ऐसे ही ऑलमोस्ट दिखना कुछ जचता नहीं है, और इस चीज को मूवी के राइटर्स तक एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको इस वीडियो के अंदर वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। इसके अलावा 2018 में इन लोगों ने कैसे डेडपूल 2 में यहाँ पर कैमियो दिया था, ये भी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। प्लस एक्समैन एपोकलिप्स में हम देखते हैं कि जीन ग्रे अपने फिनिक्स फोर्स को यहाँ पे रिलीज करती है, लेकिन मोहतरमा को तो एक्समैन डार्क फिनिक्स तक फिनिक्स फोर्स मिला ही नहीं था, तो उसने यहाँ पर कैसे यूज किया, तो इस चीज को भी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो चलिए अब राज से पर्दा उठाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या है असल में एक्समैन की सही टाइमलाइन और आपको किस ऑर्डर में उसे देखना चाहिए। तो गाइस, टोटल एक्समैन की 4 टाइमलाइन है। पहली टाइमलाइन के अंदर होता है एक्समैन, उसके बाद X2 और उसके बाद एक्समैन लास्ट स्टैंड। अब आते हैं अगली टाइमलाइन में, जो कि थी एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन वाली मूवी। इस टाइमलाइन में जो अगली मूवी आती है वो है द वुल्वरीन और इसके बाद लोगन। इसका मतलब एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन, द वुल्वरीन और लोगन इस सेकंड टाइमलाइन में होती है, लेकिन बीच में क्योंकि 3rd टाइमलाइन की मूवी यानी कि फर्स्ट क्लास दिखा दी गई थी, इसलिए लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। फर्स्ट क्लास 3rd टाइमलाइन में हुई थी एंड इस टाइमलाइन में हमें एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, एक्समैन एपोकलिप्स, एक्समैन डार्क फिनिक्स देखने को मिलता है, और इसके बाद आता है हमारा 4th टाइमलाइन, जिसमें हमें डेडपूल 1 और डेडपूल 2 देखने को मिलता है। इसके अलावा भी 3 और टाइमलाइन है, जिसमें से 1 टाइमलाइन में लेजेंड की कहानी चलती है, तो दूसरी में गिफ्टेड की कहानी और तीसरी में न्यू म्यूटेंट्स की, जो कि अभी तक निकली ही नहीं है। अब ये जो 3 शो मैंने बताए हैं ये असल में टीवी सीरीज है, तो इसके बारे में बहुत कम ही लोगों को मालूम है। सो गाइस, इससे आपका ये कन्फ्यूजन तो दूर हो ही गया होगा कि कैसे हमें 3 3 स्ट्राइकर, 2 सेबरटूथ, 2 एमा फ्रॉस्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये सब अलग अलग टाइमलाइन में टेक प्लेस कर रहे होते हैं। जैसे एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन वाली मूवी के अंदर जो एमा फ्रॉस्ट दिखाई जाती है, ये टाइमलाइन 2 से बिलोंग करती है, और एक्समैन फर्स्ट क्लास मूवी के अंदर जो हमें एमा फ्रॉस्ट दिखाई जाती है वो टाइमलाइन नंबर 3 से बिलोंग करती है, इसीलिए इन दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी देखने को मिलता है। और इसीलिए डेडपूल 2 मूवी के अंदर जो हमें यूकियो दिखाई जाती है वो द वुल्वरीन मूवी के अंदर कुछ इस तरह दिख रही होती है। अब ये सारे कंफ्यूजन तो आप लोगों के क्लियर हो ही गए होंगे। अब आपका जो एक कंफ्यूजन रह जाता है वो ये कि 1962 में ये लोग ऐसे कैसे दिखते थे और 1992 में ये लोग ऐसे कैसे दिखते थे, प्लस एक्समैन एपोकलिप्स के अंदर जीन ग्रे ने फिनिक्स फोर्स को कैसे टैप इन कर लिया था, जबकि उसे फिनिक्स फोर्स डार्क फिनिक्स मूवी के अंदर मिला था।
तो गाइज इसका सिंपल सा जवाब ये है कि उन लोगों ने कचरा सेठ से सस्ता नशा लिया था, जिसके वजह से उन लोगों ने ये चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया, और ये चीज़ एक बहुत ही बड़ी मूवी मिस्टेक है जिसे मैं तो क्या उसके राइटर्स तक एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब एक्सप्लेन के नाम पे वो ये कह दें कि भाई उस यूनिवर्स में लोग बहुत ही धीरे धीरे एज करते हैं, तो ये ही होगा एक रीज़न, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। कि तुम लोग मानो, हम नहीं जानते, मानो, जबरदस्ती मानना है मानो, पर आज मानो, अलविदा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपका एक्स मैन का जो टाइमलाइन को लेके कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा और आपको वॉचिंग ऑर्डर भी समझ में आ गया होगा। सब अलग अलग टाइमलाइन से बिलोंग करते हैं, तो आप जिस भी टाइमलाइन को पकड़ते हैं उस टाइमलाइन की सारी मूवीज़ को देख डालिए उसके रिलीज ऑर्डर के हिसाब से ही, तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी नई जानकारी पता चली हो या फिर आपका कन्फ्यूजन दूर होया हो तो वीडियो को शेयर करें, और जो भी लोग कन्फ्यूज्ड हैं उनके कन्फ्यूजन को दूर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो इस पर लाइक करें, कमेंट करें, और अगर बुरा लगा है तो डिसलाइक करें और फिर भी कमेंट करें। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप पुराने हैं तब तो आपको मालूम ही होगा कि हमारे चैनल का मोटो क्या है, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने बेल आइकन को प्रेस किया है या नहीं। तो अब चलते हैं हमारे मोटो की ओर, जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।